तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं अशरफ गेमिंग। यह है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 8, जो कि लास्ट एपिसोड आप लोग सभी लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लो उस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग इस चीज़ को बनाए थे जो कि काफ़ी आसम से घर है। तो फिलहाल इसका इंटीरियर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसका इंटीरियर दिखाने नहीं वाला। तो हाँ, फिलहाल मैं ऐप खेल रहा हूँ मोबाइल में, क्योंकि मैं मेरे नानी के घर आया हुआ हूँ। तो वहाँ मुझे ये कीबोर्ड माउस नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई लोग एडजस्ट हो जा। तो हाँ देखो, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने जाने वाले हैं एनिमल्स का फार्म, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो कि खाने के लिए यूज़ होगा। और जो इंचेंटिंग टेबल होगा ना, उसके लिए हमें लेदर हो चाहिए ना, उसीलिए तो काउस को मार के ही लेदर मिलेगा। तो इसीलिए हम आज फार्मिंग करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ, तो ये जगह है ना हमारे घर के पास का जगह, तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा गंदा है, क्योंकि हमारे घर का लुक ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसको आज क्लीन करने वाला हूँ। तो यहाँ से क्लीन कर देता हूँ उसको, ये जो बाउंड्री है ना, मैं देख रहा है इसको, यहाँ से क्लीन कर रहा फटाक से इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। तो फाइनली मैं पूरा का पूरा एरिया क्लीन कर दिया। तो अब फिलहाल शाम भी हो चुके हैं, मैं जाके सो के आ जाता हूँ। तो मैं घर का अंदर नहीं दिखाने वाला, तो मैं सो के आ चुका हूँ। तो ये देखो भाई, सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं ब्रेड का। तो हाँ चलो, अब मुझे लकड़ियाँ थोड़ी बहुत कलेक्ट करना है, क्योंकि जो फार्म के लिए मुझे लकड़ियाँ चाहिए ना, वो उसके फेंसेस बनाने के लिए मुझे चाहिए ओ क्लॉक, क्योंकि मैं ओ क्लॉक से ही फेंसेस बनाने वाला हूँ। तो हाँ फिलहाल ये बच गया मेरे से, तो इसको ढक देता हूँ। ये बाउंड्री को आड़ा आ जाता है, तो वो देखो वहाँ तक है हमारा बाउंड्री, तो भर देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको भर के आ चुका हूँ। तो मैं ये एरिया को डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और खाली भी है। तो बाजू का हमारा वीट फार्म होगा, तो ये घर के बाजू ही होगा, तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ यहीं पे इसको बनाने वाला हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर के एक मार्जिन बना लेता, क्योंकि ये जो फेंसेस वो लगाऊंगा ना मैं, उसको वहाँ से उसे जाने आने के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो घर को लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए मैं इस तरह से एक शॉवल से ऐसा कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करने से लुक भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा और बाउंड्री भी बन जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ, जल्दी जल्दी करके आप लोगों से मिलता हूँ फिर से मैं। तो फाइनली मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करके आ चुका हूँ। तो ये देखो भाई, बाउंड्री बन चुकी है हमारी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लीव्स लगे, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल बारिश भी हो रही है भाई। तो फिलहाल ये देखो, मैं यहाँ से फेंसेस लगाने वाला हूँ, क्योंकि वीट फार्म को 2 ब्लॉक छोड़ के मैं लगाऊंगा, वीट फार्म को लग के नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको ये वीट फार्म तक खींच दूंगा, तो ये वीट फार्म तक खींच देता हूँ मैं। फिलहाल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको तोड़ देता हूँ मैं ये, और ये भी ज़्यादा हो गया, इसको भी तोड़ देता हूँ। तो फिलहाल मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है इस फेंसेस को, और मैं लगाने वाला हूँ इसको 9 ब्लॉक के गैप छोड़ के, क्योंकि पूरा का पूरा 27 ब्लॉक्स का लगाया था मैंने, तो उसको 9 ब्लॉक्स काउंट करके वहाँ से उसको डिवाइड कर दूंगा मैं। तो यहाँ से 9 ब्लॉक्स ये हो चुका है, तो यहाँ एक ब्लॉक लगा देता हूँ, सॉरी फेंस लगा देता हूँ। अरे यार घोड़ा किस लिए यार, दो अरे किस यार, 3 4 5 6 7 8, ये 9, यहाँ भी एक लगा देता हूँ मैं, तो एक लगा देता हूँ। तो यहाँ से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो चुकी है तो ठीक है, इसको तोड़ के ज़रा आगे बना देता है, कुछ नहीं होगा।
हम थोड़े बहुत मैथ्स में वीक है भाई, इसलिए थोड़े संभाल लो ना। तो यहाँ लगा दिया मैंने इसको, अब परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी लगा ढक देते हैं। तो देखो मैंने पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसे दिखने वाला है इसको। और इस पे लाऊंगा मैं उस कॉर्नर में चिकन्स को रखूंगा और या पिग्स को रखूंगा, और बीच वाले में शीप्स रहेंगे और इस फर्स्ट वाले में काउस ला के रख दूंगा। तो चलो मुझे एनिमल्स को ले आते हैं चल के। तो फिलहाल मेरे पास एक बैरल्स है, इस बैरल्स को मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं उस जगह जाके वीट ला के इसको खिला नहीं पाऊंगा ना, तो इसीलिए यहाँ से रख देता हूँ। और उसके ऊपर रख देता हूँ एक स्लैब, जो कि इन्वेंटरी में हाँ है, मेरे पास है। तो इसको लेके यहाँ से रख देते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ऐसा रख देते हैं। तो देखो अब मुझे लाना है चिकन को फर्स्ट, तो क्योंकि लास्ट में चिकन से रखना होगा, तो मुझे ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे शुगर केन फार्म में काफ़ी ज़्यादा दिनों से अटके हुए हैं ये दो चिकन। तो इसको ही लेके आके मैं फंसा देता हूँ वीट दिखा के। तो इस वीट को ले लेते हैं। तो चलो उस चिकन को ले आते हैं, दरवाजे मूझ के जाके इस चिकन को ले आते हैं। भाई चिकन भाई आ जाओ, आ जाओ यार ऊपर चढ़ के आ जाओ। अरे आओ यार ऊपर चढ़ के आ जाओ, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे क्या? तो कैसे क्या अंदर तुम लोग, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आओ यार नहीं आओगे क्या? अरे तो फिलहाल मैं इसको इस फेंस को तोड़ देता हूँ, फेंस को तोड़ के इसको बुला लेता हूँ। तो अब आ जाओ, हाँ अब आ रहे हैं, तो आ जाओ आ जाओ, दोनों के दोनों आ रहे हैं भाई, जल्दी आ जाओ भाई। तुम लोगों को ले जाके मैं उस वाले में इसमें रख देता हूँ, कि अरे इस तरफ नहीं उस तरफ, आओ आओ आ रहे हैं ना पीछे, हाँ आओ जल्दी आओ। तो दरवाज़ा यहाँ पे दरवाज़ा, तो इसको खोल के अंदर चलता हूँ। आ जाओ यार अंदर, दोनों एक साथ नहीं, एक एक जने लो, एक 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 लोग आ जाओ। अरे दोनों एक साथ नहीं भाई, एक 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 जने आ जाओ। अरे दोनों नहीं भाई, एक जने भाई, एक आओ इधर आओ। चलो अब एक एक जने आ जाओ। अरे फिर से दोनों आ जाते क्या, तुम पागल हो? दोनों एक एक लोग, एक एक लोग आओ। क्या हो आए नहीं क्या एक एक लोग? हाँ एक एक लोग आओ, ठीक है तो तुम चलो उस तरफ और आओ, एक एक लोग आओ। हाँ परफेक्ट, आ जाओ अब आ जाओ। और इसके अंदर भी एक एक ही लोग आना, ठीक है? हाँ ऐसे लाइन से आना है, ठीक है भाई, लाइन से काफ़ी ज़्यादा लाइन से आ रहा है अच्छा से। तो आ जाओ, हाँ आ जाओ आप, तुम लोग को खिला देता हूँ मैं, तू भी खा ले और बच्चा पैदा कर दो, ठीक है? चलो अब बाहर चल के हम लोग उसको ले आते हैं, जो कि शीप को। एक सेकेंड दो, मैं इसको यहाँ पे बैरल लगा के इसको इस सीड्स को रख देता हूँ यहाँ पे, इसको रख देता हूँ। नहीं, मताओ 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 मताओ। अरे अरे यार आ जाएगी, नहीं यार रुको, तुम लोग को बुलाने के लिए मेरे पास वीट ऊंची वीट कह रहा हूँ, सॉरी सीट्स है। तो आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ अरे भाई जुकाम हो चुकी है भाई, तो क्या करें, बारिश तो काफ़ी तगड़ी हो रही है बाहर, तो बारिश में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नए हुए तो हाँ। अब बारी है शीप को, तो उसको लाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत वीट चाहिए, तो फिलहाल इसको कट कर देता हूँ मैं। इसको कट कट कर देंगे, तो फिलहाल मैं वीट पूरा का पूरा कट करके और उसको रख दिया मैंने यहाँ पे। तो रात भी हो रही है, चलो काफ़ी ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा मुझे, यहीं पे मिल गई शीप। आ जा भाई, तू एक ही है क्या, तेरा दोस्त कोई नहीं है क्या वहाँ पे? ठीक है तू एक है तो आ जा, तुझे ले जाके सुबह तेरे दोस्तों के ले आऊँगा। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वीट को देखेंगे शीप और काऊ काफ़ी ज़्यादा दूर से ही भागते आते हैं भाई। वीट को शीप और काऊ से ज़्यादा पसंद कोई नहीं करेगा मुझे लग रहा है, तो खा ले तू, इतने दूर आया है ना इसीलिए खिला दिया मैंने। और तेरे दोस्तों के लिए कह के तुझे भी ब्रीडिंग करवा दूंगा, रोइयो मत। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ, लाइटअप कर देता हूँ, मॉब्स फन स्पॉन ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरफ भी एक लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी एक,
यहाँ पे। अरे भाई नहीं 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 क्रीपर मता मता, चलो चलो भाग जाओ भाग जाओ यार, भाग जाओ यार, क्रीपर आ रहा है यार। तो फिलहाल मैं सो के आ चुका हूँ, तो शीप को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा मुझे। तुम मेरे विलेज के बगल में ही रहेंगे। विलेज के ये याद आया भाई, मुझे एक सैड न्यूज़ बताना है आप लोगों को। तो मेरे सारे के सारे विलेजर जो विलेज में थे ना, तो वो सारे के सारे मर गए। तो पता नहीं भाई मुझे कैसे मरे वो लोग। तो यहाँ पे आयरन गोलम भी स्पॉन नहीं हो रहा था, तो पॉकेट एडिशन में आयरन गोलम स्पॉन नहीं होने वाला है। ज़्यादा विलेजेस होंगे तभी तो स्पॉन होंगे। तो फिलहाल मैं एक शिप के लिए आया था, यहाँ पे दो मिल चुके हैं, तो इसको भी ले चलते हैं। अरे यार दो जाके तीन मिल चुके हैं मुझे अब। तो तुम्हारा एक दोस्त वहाँ पे वेट कर रहा है, तो जल्दी आ जाओ। तुम चारों को ब्रेड खिला पीट खिला देता हूँ। ब्रेड कह रहा हूँ भाई, ब्रेड तो मैं खाता हूँ ना। तो हाँ जल्दी से आ जाओ। तो उसको यहाँ से लेके आ जाता हूँ अंदर। तो आ जाओ भाई अंदर। भाई तुम भी दो दो लोग आना है क्या? एक एक लोग आ जाओ यार, एक एक जने आ जाओ। हाँ एक एक लोग आ जाओ। नहीं क्या? अरे तू बाहर मत जा यार, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ अंदर आओ, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है एक एक लोग के आना है। ठीक है अब आ जाओ, अब आओ, अंदर आओ एक एक लोग। हाँ तुम बात तो सुनते हो भाई, तो ठीक है खा लो और ब्रीडिंग कर लो आप लोग। मैं भी तुम्हारे दोस्त को ले आता हूँ, काऊ को। तो मुझे काऊ यहाँ पे आसपास कहीं पे नहीं दिखा, तो मैं उस तरफ जाने वाला हूँ जो कि ये पहाड़ के उस तरफ होगा। तो उस तरफ जाके ले आता हूँ काऊ को, अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा देता हूँ मैं, क्योंकि आने जाना तो होगा ही यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ। तो मुझे आसपास कहीं पे भी मुझे काउस नहीं दिख रहे हैं भाई। काउ स्पॉन ही नहीं होता है मेरे भी घर के पास या विलेज के पास भी काउ स्पॉन नहीं होता है। तो देखते हैं कहीं पे मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे पीक है, पीक तो मैं ले जाने नहीं वाला, क्योंकि मेरे पास ना ही बीट रूट है, ना ही कैरेट है, ना ही पोटैटो है। तो इन तीन चीज़ों से ही वो अट्रैक्ट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे दो शीप है। तो इनसे पूछ लेता हूँ, शिव भाई तुम्हें काऊ कहीं पे दे? अरे गजब बेइज्जती है। तो पूछ लेते हैं फिर से, भाई तुम्हें काऊ कहीं पे दिखी है क्या? भाई मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मुझे, नहीं, नहीं मारो यार मारो। सारे के सारे घमंडी है क्या? तू चिकन, तू बोल यार काऊ कहीं पे मार दिखी है क्या तुझे? साहब ओ चिकन भी कितना घमंड है भाई। तो छोड़ो यार, फिलहाल मुझे यहीं पे काऊ की आवाज़ आई थी तो मैं उसी के ढूंढने के लिए आया हूँ। तो कहीं पे कहाँ पे काऊ? तो ऊपर ही है तुम, तो आओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम्हारा एक घर है ये आपसे, तो यहीं पे रुको तुम, तुम्हारे दोस्तों के लिए आता हूँ मैं। चलो उसके दोस्त को ढूंढ के ले आते। भाई साहब काऊ को लाना इतना मुश्किल पड़ा ना मुझे, भाई लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे अब मिल रही है भाई काऊ। भाई काऊ को ढूंढना इतना मुश्किल हो गया ना मुझे, क्या बोलूँ यार। तो चलो फटाक से इसको घर ले चलते हैं, भाई कितना ढूंढा है भाई इसको। तो फाइनली मैं इसको यहाँ तक ले आ चुका हूँ, मुझे रास्ते में दो और मिल चुके हैं। तो आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। भाई वो कहाँ रह गया? तू तो ही लोग आए क्या? रुको रुको उसको भी ले आता हूँ मैं। भाई कहाँ है तू? आ जा यार यहाँ क्या कर रहा है तू? अटक गया क्या इस तरफ? हाँ उसी तरफ आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा अंदर आओ भाई, अंदर आओ अंदर आओ, बाहर नहीं बाहर नहीं, अंदर आ जाओ। हाँ अंदर, तो तुम भी खा लो, तुम आओ, तुम भी खा लो। हेलो हेलो चलो हो गया, अब दरवाजा बंद, बाहर नहीं आना कोई भी। ठीक है हाँ।
फाइनली मैं पूरा का पूरा ये जो कंप्लीट कर दिया है, जो काम है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये देखो हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। और हाँ, जिसने भी मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा ना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक दे दूंगा, उसमें से जाके आप लोग उस वीडियो को देखो और उसको भी लाइक कर देना। तो बस मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।